वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे आईपीसी की धारा 509 के संबंध में। ये बताता है कि कोई स्त्री या कोई लड़की अगर रास्ते से जा रही है और कोई भी इंसान अगर उस पर भद्दा कमेंट करता है, अश्लील हरकत जैसा इशारा करता है या ऐसे शब्द का प्रयोग करता है जो उसके लज्जा को भंग करता हो, तो ऐसी स्थिति में आईपीसी की धारा 509 उस पर लागू होगी और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और जब इसका कंप्लेंट किया जाएगा तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के कारण पुलिस उनकी धरपकड़ शुरू कर देगी और जब कोर्ट में पेश करेगी तो ये बेलेबल ऑफेंस है, यानी बेल उनका आसानी से हो जाएगा, लोअर कोर्ट ट्रायल चलेगा। ये समझौता योग्य है, लेकिन कोर्ट के परमिशन के बाद ही आप इनका समझौता भी कर सकते हैं, कंपाउंडेबल इनको बना सकते हैं। इसमें 3 साल तक के सज़ा का प्रावधान और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित करने का प्रावधान किया गया है। दूसरी बात बता दूं कि ऐसा कोई भी शब्द के माध्यम से जो उसकी लज्जा को भंग करता हो, ऐसा कोई भी कमेंट जो इलीगल हो, ऐसी कोई भी इशारा जो उस स्त्री के लज्जा को भंग करने में सहायक हो, ये सारे के सारे 509 में काउंट किए जाएंगे। अगर इसके अलावा भी कोई काम करते हैं तो वो भी सेक्शन आके इसमें ऐड होके आपके दंड में वृद्धि कर सकते हैं। तो अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो निश्चित रूप से उसकी कंप्लेंट पुलिस के पास करनी चाहिए और पुलिस के पास कंप्लेंट करने के तुरंत बाद ही उसकी धरपकड़ शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये एक ऑफेंस है और इस ऑफेंस में उनको आप सबक सिखा सकते हैं। ऐसा कोई भी शब्द हो जिससे स्त्री की लज्जा भंग होती हो, उसके उसका जो प्राइवेसी है वो ख़त्म होता हो, ऐसा कोई इशारा हो जो इलीगल हो, इस तरह से जो कुछ भी है ये सारे इसमें काउंट किए जाएंगे। आशा है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लिप पे। धन्यवाद।